5 लाख रुपए मैंने उसमें एक हफ्ते में डुबा दिए, एक हफ्ते में पानी में फेंक दिए, पानी में फेंक दिए, मतलब ऐसे तो एक हफ्ते में मर गए। कैसे डूब गए थे? मैंने बच्चा मंगाया, नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी, आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज हम हमारी नई सीरीज का पहला एपिसोड शूट करने आए हैं, जो कि है मुरैल एक्सपीरियंस। ये सीरीज में 10-20 पार्ट्स, कुछ कंफर्म नहीं है कितने बनेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन सभी के पार्ट्स बनेंगे। तो पहला जो पार्ट्स बना रहे हैं हम, भोपाल में ही बन रहा है। यहाँ पर भोपाल में जो परवलिया इलाका है, इस जगह पे ये फार्म है। और आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो फार्मिंग हो रही है उनके बारे में, उनके मुंह से ही आप सुनिएगा। आइए चलते हैं। ये तालाब है, काफी बड़ा तालाब है ये तो। ये फ्रॉग के लिए, स्नेक के लिए नेट लगाई हुई है, जैसा कि लगाया जाता है। मुरैल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा कीमती है। इसे पहले पार कर ले, आइए। भाई जी दाना खिला रहे हैं, कैसे हैं भाई जी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसे हैं गुरु जी आप? बिल्कुल, दाना खिलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए हमने। भाई जी, जी थोड़ा ऊपर आ जाइए, क्या है कि वहां जाल अटक रहा है। तो मुस्तकीम भाई जी हैं, मुस्तकीम भाई जी, जी आज जो पहला एपिसोड हमारा है वो आपसे शुरू हो रहा है जी। तो आइए बैठ के बात करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका मेन जो काम है वो क्या है, वो कृपया बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मुस्तकीम शाह खान है। बेसिकली मैं एक लाइन प्रोडक्शन कंपनी में एज ए मैनेजर ऑन साइट मैनेजमेंट देखता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है जील जेड एंटरटेनमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये मध्य प्रदेश की शूटिंग कंपनी है, और हम पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी आप शूटिंग्स वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज और ये फिल्मों की, फिल्म वगैरह, मेरी कंपनी ने 250 अबव प्रोजेक्ट करे हुए हैं। 250 जी, 250 जिसमें से 100 अबव हमने फिल्म करी होंगी, बाकी सीरियल्स, वेब सीरीज, अभी वेब सीरीज का टाइम आ गया तो ये सब करते हैं। और पूरा मध्य प्रदेश मैं देखता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी शूटिंग होती है मेरी कंपनी को लोग हायर करते हैं। जब मुंबई से कोई प्रोडक्शन हाउस आता है तो मेरी कंपनी को हायर करता है, फिर मैं, मेरी कंपनी मुझे उनके शूटिंग करने का लोकेशन वगैरह और शूटिंग करने का पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में होता है, फिर मैं उसको अपने हिसाब से पूरा डील करता हूँ। तो ये मेरा बेसिक है, आपका बेसिक है। और मैं बहुत खुश हूँ अपने उससे, लेकिन ये एक जो है ना, ये जुनून है मेरे लिए, मछली पालन मछली पालन मेरा, मतलब क्या कहूँ, मेरा ड्रीम कहूँ, मेरा शौक कहूँ, ये जुनून, शायद मैं जुनून कहूँ तो ज्यादा अच्छा है। तो जुनून सर आप तक मुझे ले आया, और फिर आप जैसे अनुभवी इंसान के साथ मिलकर काम करना, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि मैं फिश फार्मिंग में ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसे ऐसे, और खासकर मुरैल प्रोजेक्ट में, जो शायद ही कभी हम नहीं मिल पाते जी। अगर ना रहते इस फील्ड में तो शायद नहीं मिल पाते। हाँ, लेकिन आज जो है मुरैल ने बहुत सारी चीजों को मिला दिया है। तो ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन, और ये बहुत अच्छा काम है। और मैं भी चाहूंगा कि मुस्तकीम भाई कभी शूटिंग हो तो मैं जाऊं वहां पे, और वहां कोई ना कोई स्टार के साथ फोटो वगैरह सभी लोग लेते हैं, तो मैं भी लूंगा। और जल्द ही वो फोटो भी दिखाऊंगा कभी और एपिसोड में। बाकी अब जो आते हैं मछली पालन पे, तो मुस्तकीम भाई जी आप ये बताइए कि पहले आप कब, कितने समय पहले आपने फिश फार्मिंग चालू करी थी? मैंने आज से 8 साल पहले गुरुजी, 8 साल पहले, हाँ 8 साल पहले, हाँ, फिश फार्मिंग का प्लान किया था। तो जब मैंने प्लान किया तो मैंने कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेटर वाला,
अच्छा हाँ जी ठीक है कि इतने इतनी मछली इतने किलो की इतना इतना एक तो लाख मछली एक किलो की 100 रुपए के रेट से 1 करोड़ रुपए और ये कैलकुलेशन में मैं उलझा। अच्छा फिर मैंने कुछ यूट्यूब चैनल देखे, उससे मैंने ज्ञान लिया, तो वो जो ज्ञान था उसमें मैं सोच रहा था मैं मास्टर हो गया, हालांकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा है नहीं। आप YouTube पर देखकर किसी भी चीज को अप्लाई अगर कर दोगे तो आप फेल हो जाओगे। अगर सक्सेस होना है तो आपके पीछे ना किसी एक्सपीरियंस होल्डर आदमी का बैक सपोर्ट होना चाहिए, बैक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने जो पिछला नुकसान उठाया, मैंने वो जो तालाब बनाया था मैंने आपको जो बताया 5 लाख रुपए मैंने उसमें एक हफ्ते में डुबा दिए, एक हफ्ते में पानी में फेंक दिए, पानी में फेंक दिए मतलब ऐसे तो एक हफ्ते में मर गए। कैसे डूब गए थे? मैंने बच्चा मंगाया, मुझे जिन साहब ने दिलाया था उनका कोई नाम वाम नहीं लूंगा मैं, मैंने वो बच्चा लिया। लेने के बाद मुझे कोई वाटर पैरामीटर्स नहीं पता था, वो क्या खाएगी ये कुछ भी नहीं पता था। सीधा उन्होंने बोला कि ले जाकर छोड़ दो पानी के अंदर। मैंने ऐसे के ऐसे वो टिन उतारे अपनी गाड़ी से और उसको पानी में डाल दिया। वो पानी में मैं मछली नहीं डाल रहा था, वो पानी में मैं अपने पैसे डाल रहा, पैसे डाल रहा है ना, वो पानी में ऐसे गए और वो सारे खत्म हो गए। एक हफ्ते में ना मेरी मछली मर गई। तो उसमें आपकी जो मछली मर गई थी, तो क्या जो सीड दिया था जिसने या आपने यूट्यूब पे जो देखा था उसमें उसका इलाज के बारे में कुछ और कैसे डालना है ये कुछ जानकारी दिए? नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी कमी थी। एक्चुअली फिश जब डालते हैं तो फिश डालने के टाइम पे वाटर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना पड़ता है, साथ में 7 दिन तक उसकी जो मेडिसिन चलती है वो भी बहुत जरूरी है कि हमें पता हो, अदरवाइज हम भाई के जैसे पानी में पैसा फेंकेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये तो रहा पुराना एक्सपीरियंस, क्या है कि अपन जितनी बात करें उतना लंबा समय खींचता है और क्या होता है कि लोगों को मेन मुद्दा जानना रहता है, तो ये तो पुराना अनुभव भी जानना बहुत जरूरी है। और ये हर एपिसोड में पुराना अनुभव जरूर मैं बताऊंगा जिससे कंपैरिजन हो कि अब जो फार्मिंग हो रही है और पुराना जो फार्मिंग हुई है उसमें क्या इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। अब जो है, पहले तो ठीक है जो हुआ सो हुआ, 5 लाख चले गए, अब जो है ये मुरेल जो आपने डाले कितने दिन हो गए आपको? अभी मुझे 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं इसमें। 3 महीना हुआ है क्योंकि तो भाई जी का 3 महीने पुराना है। अब जब बच्चा डला जी, जब आपने डाले, डालने के बाद कितनी आपकी मोर्टिलिटी हुई, कितनी समस्या आई, कैसे प्रॉब्लम आई, क्या आप मतलब आपको बहुत ज्यादा परेशानी आई पहले के मुकाबले, आपने क्या सोच के रखा था कि क्या होने वाला है आप, क्योंकि पहले जो 5 लाख का घाटा खाए हुए हैं तो बहुत ज्यादा डर बना रहता है कि क्या हो। और एक्चुअली में वो तो आपने सस्ता बच्चा डाले थे, ये तो बहुत महंगा बच्चा आता है, तो इस चीज के बारे में बताइए हमें। सबसे पहले यही बताऊंगा कि क्या हुआ, जब मैंने इसको डाल रहा था, जब मैं इसका प्लान कर रहा था, जब मैं आपसे मिला, जब आपने मुझे बताया, तो मैं पहले डरा हुआ था, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं डरा हुआ था। मैंने जैसे ही, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे से मुझे इसकी तैयारी करवाओगे, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आपको लगा कि मैं बच्चा दे दूंगा, बच्चा दे दूंगा, आप अपना पैसा लोगे और निकल जाओगे, मैं ऐसा, मेरे ऐसा थॉट्स थे। बट मैं जब आपने मुझे प्रेजेंट किया अपने आप को, तब गुरुजी ने बच्चा यहाँ तक लेकर आए, डिलीवरी दी, फिर उसको मेडिसिन में कुछ देर के लिए मुझे बताया कि इतनी देर इसको इस मेडिसिन में रखना है, फिर उसके बाद हमने इसको, गुरुजी ने एक हापा लगवाया मुझसे, फिर उस हापे में हमने उस मछली को डाला, और फिर 7 दिन का ट्रीटमेंट आपने जो मुझे बताया था वो मैंने डे वाइज ट्रीटमेंट दिया, और एवरी डे मैंने वीडियो बनाकर गुरुजी को भेजा भी कि अब 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद फिर गुरुजी ने बोला हापा हटा दो और इसको पूरे तालाब में घूमने दो, तो फिर मैंने जो जो आप मुझे बताते गए मैं वैसा करता जा रहा हूँ। तो मैं डरा हुआ था, मैंने जब 7 दिन गुजारे तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने 7 दिन में सारी मछली मार दी थी, तो अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था कि 7 दिन में एक भी मछली नहीं मरी। और मोर्टैलिटी की बात जो है, वो मोर्टैलिटी की बात ये है, इन 3 महीनों में मेरी 4 मछलियां मरी है। 4 एक एकड़ का तालाब है जी, तो हमें ये डर था कि यहाँ पे प्रोटेक्शन जब तक आई नहीं थी, ये प्रोटेक्शन जो है उस टाइम तक आया नहीं था,
तो सांप या मेंढक वगैरह ना नुकसान कर दे, इसलिए हापे में लगाया गया था उसे। अदरवाइज अगर प्रोटेक्शन अच्छे से हो तो एक एकड़ में भी डायरेक्ट छोड़ा जा सकता है और पूरे तालाब में फिर आपको ट्रीटमेंट करना रहता है। तो 7 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि कितना माल मरा है कितना नहीं मरा। उसके बाद अगर मुरेल नहीं मरी है 7 दिन तक में तो आपकी मुरेल बहुत मुश्किल है मरना, आपकी गलती रहेगी तभी मरेगी। लेकिन 3 महीने में आपने कोई भी गलती नहीं करी, एक्चुअली में डेंसिटी भी काफी कम है, ये तो ट्रायल बेस पे डाला हुआ है, तो ट्रायल बेस पे डाला है, तो 1000 में 3600-3800 बच्चा, लगभग 4000 के आसपास डला हुआ है, जबकि डल जाता है 15-16 हजार एक एकड़ में डल जाता है, बट पहली बार डाला गया है तो थोड़ा डरते डरते भी डाला गया है, तो कम ही डाला गया है। नेक्स्ट आपका क्या प्लानिंग है? नेक्स्ट प्लानिंग तो मेरी वही जो आपने बताया ना, कम से कम 16-17 हजार बच्चा स्टॉक करूंगा मैं इसमें। और अभी तो सारा डर निकल चुका है, कोई डर की ऐसी बात नहीं है, और कुछ भी मुझे छोटी बड़ी बहुत सारे बार, कई बार मैं आपको परेशान भी कर देता हूँ, इतने फोन लगाता हूँ। नहीं नहीं, वो तो वो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे साथ हो, तो मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, ना ही कोई परेशानी है। मुझे कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो मैं सीधा गुरु जी को फ़ोन लगाता हूँ और 5 मिनट में उसका हल निकल आता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम मुरेल में अब वो क्या है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं रहती है, लेकिन नए लोगों के लिए वो थोड़ा सा डाउट रहता जब तक का उस 5-6 महीना ना चला जाए। 5-6 महीने के बाद एकदम डर चला जाता कि इस मछली का कुछ नहीं होना है, जब तक हम कुछ गलती ना कर दें ये मछली आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तो मैं परेशानी में एक नंबर आपको बताऊंगा, उसमें से आप उस मुरेल में कितना नंबर दोगे जी। और एक मेरा जो सीड का और कंसल्टेंसी जो मैं देता हूँ वो फ्री रहती है कंसल्टेंसी, उसका कोई चार्ज नहीं, मैं जो देता हूँ उसमें आप कितना नंबर देंगे? मुरेल में 10 में से आप इसको कितने स्टार देंगे? अदर फिश में परेशानी जो आई और इसमें जो क्या आ रही है उस हिसाब से 10 में से। मुरेल से तो मुझे प्यार है, मतलब मुझे भी है, 3 महीने में ना मुझे प्यार हो गया है इसमें, तो मैं ना इसमें से 10 में से 9 दूंगा। कुछ मैं 10 में से 10 नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि 10 में से 9 इसलिए दूंगा कि मैंने सीखा है, सीख रहा हूँ मैं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं डरा भी हुआ हूँ, तो मैं 10 में से 9 देता हूँ। और कंसल्टेंसी जो है गुरुजी की, उसमें से 10 में से 10 देता हूँ मैं। कभी भी फोन लगाता हूँ, कुछ भी कहीं भी होते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, और फिर मुझे 5-10 मिनट बाद कॉल बैक आ ही जाता है आपका, तो बेफिक्र हूँ मैं इनकी तरफ से, इसलिए आपकी कंसल्टेंसी को और आपको 10 में से 10। थैंक यू इस चीज के लिए, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि 10 में से आप 20 मिले अगले साल। तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्टार चाहिए, और उसके लिए हमें जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनका जो है वो उनको सफलता पूर्वक पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग करवानी है। एक बात और मैं आपके दर्शकों से कहूंगा, जो लोग भी आपका चैनल देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनसे एक बात कहूंगा, जब आप सीड खरीद रहे हो स्पेशली, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सस्ते की तरफ मत जाना। सस्ते की तरफ अगर आप जाओगे तो आप शायद नुकसान उठा जाओगे। मुरेल का सीड महंगा आता है, महंगा ही आएगा, महंगे से मत डरिए। ऐसे इंसान से लीजिए सीड जिसको एक्सपीरियंस हो, जो कर रहा हो, उसी से आप सीड खरीदो। मैं ये नहीं बोल रहा कि गुरुजी से ही खरीदो आप, ऐसा जरूरी नहीं। अगर मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा पार्शियलिटी वाली वीडियो है और ऐसा वो है। अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हो और मध्य प्रदेश से हो आप, तो गुरुजी का प्लांट है जहां उन्होंने बहुत सारे तालाब बना रखे हैं, और बहुत सारे तालाब जिनमें मैंने खुद जाकर लाइव देखा, मुरेल मैं 3-4-5 विजिट किया, उसके बाद फिर इन्होंने मुझे सारी चीजें दिखाई। तो सीड हर किसी से ना ले, आपका पैसा बहुत कीमती है, पता नहीं कैसे कैसे आप पैसों को अपना कैपिटल बनाकर फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कहाँ से ला रहे हो वो आप ही जानते हो। मुझे भी दिक्कत आई, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप लोगों को एक ही चीज बता रहा हूँ कि अपने पैसे की बर्बादी मत करना, हर किसी से बच्चा नहीं लेना। सीड की क्वालिटी पे ही प्रोडक्शन पूरा पूरा डिपेंड है। बिल्कुल, आप कितना निकालोगे हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये डिसाइड हो जाएगा उसी दिन, जिस दिन आप बहुत अच्छे सीड परचेस करके बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड डालोगे। जितनी अच्छी क्वालिटी का सीड होगा उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग होगी। बिल्कुल,
क्या होता है एक्सपीरियंस है मेरा। ये हर चीज में ही होता है, केवल मुरेल में ही नहीं, आप फसल भी लगा रहे हैं तब भी आप जाते हैं मार्केट में अच्छी जो कंपनी अच्छी क्वालिटी का सीड होता है, बीज होता है, उसको लगाते हैं तो उससे ही तो फसल निकलती है। आप कोई भी सीड या कोई भी बीज डाल देंगे जो ग्रेडेड नहीं रहेगा, जो क्वालिटी नहीं रहेगी, तो वो सस्ता मिल जाता है लेकिन आपकी फसल का उत्पादन नहीं होगा ज्यादा। सेम वही चीज है, और मुरेल में तो स्पेशल इसलिए सतर्क होना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे का नहीं है, बिल्कुल हाई वैल्यू फिश है, इसीलिए बहुत अच्छे से अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो भी आप आंख बंद कर ना आए, आंख खोल के आए, हमसे मिले, उसके बाद भले आंख बंद कर लें, उसके बाद टेंशन फ्री रहें। बाकी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में टाइम देने के लिए मुस्तकीम भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं, अभी एमपी के ही वीडियो बनेंगे। नेक्स्ट 3-4 वीडियो के बाद हम जाएंगे उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और यूपी। इन राज्यों में विजिट है, इन राज्यों में एक्सपीरियंस इसका आएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।